नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्वाद में। मैं हूँ दीपक। दोस्तों, आज का हमारा रेसिपी है भेज चीजी पराठा, जो कि बच्चों को बहुत पसंद है। और साथ में बनाएंगे हम मूंगफली दाने की चटनी। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर जो हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। दोस्तों, हम इस पराठे में ज़्यादा तामझाम नहीं करेंगे, जो हमारे घर पे रहता है सामान उसी का यूज़ करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं भेज चीजी पराठा बनाना। क्रिस्पी क्रंची भेज चीजी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका स्टफिंग तैयार करेंगे। ये देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम एक पेन लेते हैं और इसमें देखिए हम पेन लिए हैं, पेन गर्म हो चुका है। अब इसमें थोड़ा सा 2 चम्मच लगभग ऑयल डालेंगे। आप चाहे कोई भी ऑयल का यूज कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं और इसमें हम देखिए 1/2 कटोरी 2 मीडियम साइज लगभग प्याज है, इसे हमने बारीक चॉप कर दिया है। इसे हम थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें पनीर डाल देते हैं थोड़ा सा। पनीर को लाल नहीं करना है दोस्तों, बस थोड़ा सा हल्का इसे ड्राई करना है। ये थोड़ा हमारा शिमला मिर्च डाल देते हैं, थोड़ा गाजर डाल देते हैं, थोड़ा टमाटर डाल देते हैं, थोड़ा हरी मिर्च डाल देते हैं और 2 मीडियम साइज आलू को हमने कद्दूकस कर लिया है। हम इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे, इसका क्रंच बना रहे, नहीं तो ये ज़्यादा मुलायम हो जाएगा। ये देखिए, हम ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और हल्का 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर और इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डालते हैं। आप चाहे तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से मिला लेते हैं इसको। ये हमारा धनिया पत्ता है, धनिया पत्ता इसमें ज़्यादा डालें ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। देखिए, हमारा बिल्कुल से स्टफिंग तैयार हो गया है सब्जी का, बिल्कुल एकदम। ये देखिए, अब इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में, डो लगाने के प्रोसेस में चलते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा का यूज़ किया है। आप चाहे तो आधा हाफ इसमें मैदा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार। और ये देखिए, हमारा कनौजी है, थोड़ा सा अजवाइन और ये देखिए थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं ताकि इसका कलर अच्छा आए। और थोड़ा धनिया पत्ता और इसमें हम डालेंगे 2 स्पून तेल डालेंगे। आप चाहे घी भी डाल सकते हैं, इसमें बटर भी डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। ये देखिए, इसे अच्छे से मिलाना है ताकि पूरा अच्छे से चला जाए सब कुछ। ये देखिए, हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो एक बार डालने से पूरा आटा गीला हो जाएगा। इस तरह करके थोड़ा थोड़ा करके और आटा का एक अच्छा सा टाइट डो तैयार करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं करना है। ये देखिए, इस तरह हम इसे डो तैयार कर लेते हैं। देखिए देखिए, हमारा डो तैयार हो चुका है। अब क्या कर, 10 मिनट के लिए रेस्ट में छोड़ देते हैं उसे। और ये हमने पीनट लिया है, ये देखिए, थोड़ा धनिया पत्ता लिया है और इसमें हम एक हरी मिर्च लिया है, थोड़ा सा गार्लिक लिया है और थोड़ा सा नमक और हम इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डाल देते हैं। ये देखिए, हमारा तैयार हो चुका है चटनी। अब क्या करते हैं, ये स्टफिंग जो हम तैयार है उसमें हम थोड़ा सा चीज़ डाल देते हैं। इसे हम कद्दूकस के चीज़ को इस तरह करके डाल देते हैं ताकि, ये देखिए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। हमें आटा के 2 डो पहले तैयार कर लेते हैं, 2 लोई गोल गोल सा पेड़ा तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, हमारा 2 पेड़ा इस तरह करके पहले गोल गोल कर लेना है। ये देखिए, अब इसको थोड़ा सा चिपका देना है ताकि बेलने में आसानी हो। ये देखिए, थोड़ा सा हम सूखा आटा ले लेते हैं और इस तरह करके हम इसे एक रोटी तैयार करते हैं, जैसे गोल गोल करते हैं उस तरह से। थोड़ा सा और आटा ले लेते हैं सूखा, नहीं तो चिपक जाएगा नीचे। ये देखिए, इस तरह करके हम पूरा गोल जैसा रोटी बना लेते हैं। दोस्तों, हमने इसमें जो चिली फ्लेक्स और ये धनिया का पत्ता डाला है, इससे हमारा देखिए कलर दिखने में अच्छा लगेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। ये देखिए, बिल्कुल गोल गोल हो गया है रोटी। अब क्या करते हैं, इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था वो डाल देते हैं। देखिए, हम थोड़ा ज़्यादा मसाला डाल रहे हैं, आप चाहे तो अपने अनुसार देख के डालिए। ज़्यादा मसाला डालने से थोड़ा बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए, इस तरह करके डाल देते हैं। और हम क्या करते हैं, ये देखिए, थोड़ा सा बैठा चिपका देते हैं इसको अच्छे से बराबर करके।
ये देखिए अब इस स्टेज पे क्या करते हैं दोस्तों, हम एक ब्रश से चारों तरफ से पानी लगा देते हैं, ये देखिए, ताकि हमारा रोटी खुले ना। इस तरह देखिए हमने इस तरह से लगा दिया है पानी को चारों तरफ से, नहीं तो ये खुल जाएगा। ये देखिए अब क्या करते हैं, एक तरफ से इसको हाफ होल्ड करना है और हाफ इधर से करना है, ये देखिए, और थोड़ा ऐसे ऐसे साइड से थोड़ा दबा देते हैं हल्का हल्का प्रेस करके, नहीं तो खुल जाएगा ये। ये देखिए इस तरह करके, और फिर ये देखिए सबको अच्छे से दबा दिया। अब इस तरफ से भी हाफ लेना है और इस तरह से भी हाफ लेना है। ये देखिए हमारा पूरा लिफाफा जैसा तैयार हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा प्रेस कर देते हैं हाथ से हल्का, ज़्यादा नहीं करना है नहीं तो सब्जियाँ निकल जाएगा, थोड़ा सा करना है हल्का सा। अब इसे क्या करते हैं, फिर से रोटी की तरह इसको बेल लेते हैं। आप चाहे तो जितने साइज का ही बेल सकते हैं, ज़्यादा नहीं बड़ा करना है नहीं तो सारा मसाला निकल जाएगा। थोड़ा सा हल्का सा बड़ा कर देते हैं इसे, ये देखिए इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा आटा डाल देते हैं, नहीं तो चिपक जाएगा। ये देखिए हमारा स्क्वायर पराठा तैयार है बिल्कुल चारों तरफ से। ये देखिए एक और बेल लेते हैं इसी तरह से, ये देखिए हम दो बेल लिए हैं। अब हम चलते हैं सेकने के प्रोसेस में। हमने मीडियम को न लो रखा है न हाई रखा है, बीच में रखा है, ये देखिए, नहीं तो लो रखने से वो फूलेगा नहीं। ये देखिए इस तरह करके थोड़ा सा ऑयल अब डाल देते हैं हल्का सा, और इसे मिला देते हैं। इसे अच्छे से पकाना है दोस्तों, ये देखिए इस तरफ देखिए एक तरह से मेरा पक चुका है, देखिए पूरा लाल लाल हो चुका है हल्का टिमटिम टाइप का। ये देखिए थोड़ा सा फूल भी गया है, ये ज़्यादा नहीं फूलेगा हल्का सा फूलेगा। अब दूसरा देख ट्राई कर लेते हैं, ये देखिए थोड़ा सा इसमें आप भी तेल डाल देते हैं हल्का सा, ये देखिए पराठे को थोड़ा ज़्यादा सेकना चाहिए, नहीं तो ये टिमटिम टाइप का नहीं आएगा तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगेगा और अच्छे से पकेगा नहीं। ये देखिए अब देखिए पूरा क्रंची टाइप का हो गया है। अब चलते हैं सर्व करने के प्रोसेस में। इस तरह हम छह पराठा बना लिए हैं, हम आपको एक तोड़ के दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म है। ये देखिए, ये देखिए पूरा, अब हम जो चटनी तैयार किए थे, ये देखिए चटनी हमारा बादाम का, इस तरह हम छः पीस तैयार कर लिए हैं। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, एक बार आप भी ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा पराठा खाने में।